7:21 हो रहे हैं अभी। एंड आप लोगों को याद होगा एक कपल था जिनसे हम मिले थे जो कि बहुत परेशान थे, जिनकी आंखों में आंसू थे, परेशानी में थे। एंड 28 दिसंबर को जस्ट दो दिन पहले आज से हम उनसे मिले थे। एंड उन्होंने बोला था कि उनको लाइक हेल्प हो जाए शॉप की, तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी आगे के लिए। अगर आपने मिस कर दिया था वो वीडियो तो एक बार आप ये क्लिप देख लो, बाकी अगर पूरा वीडियो देखना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा क्लिप डाल देता हूँ। जी हम तो ऐसे परेशान हैं, गरीब हैं, वैसे भी वाले भी बीमार रहता है, थोड़ी दिखा काम आंख से दिखाई कम देते हैं रात में, अच्छा सुनाई से भी कम दिखाई देता है। किसी के साथ मिल जाता है, खाते थे हमारे बच्चे तो बीमार रहते हैं सब जी, हम बीमार रहते हैं सर, बहुत परेशान रहते हैं, छोटा भी बहुत परेशान है। खाना मिल जाता तो खा लेते, कोई चलेगा तो खाने खा लेते हैं जी, और नहीं हम तो हमें भी सो जाते, बच्चों के लिए मिल गया तो मिल गया, बच्चे भी सो जाते, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। कभी खा लेते हैं कभी नहीं, काम पे जाते हैं बच्चे लोग मारे मारे फिरते हैं सारी तरफ, सड़क पे कहीं कहीं पर बताइए आस पास किसी ने मदद नहीं करी, कुछ बताया? कोई नहीं मदद कर पाए, नहीं घर की आदमी नहीं बाहर की, घर वाले ने घर से निकाल को बाहर कर दिया, जाओ कमाओ खाओ जाओ, तुम्हारी कोई नहीं है यहाँ पर। तो कैसे हम आपका सहायता करें हमें बताइए कुछ क्या मतलब कुछ ऐसी सहायता करो हम कमा खा ले, हमारे घर वाले के इलाज हो जाएंगे तो और अच्छी बात है, कुछ रोजगार टाइप का मिल जाए, कुछ रोजगार मिल जाए। तो देखा आपने, वो बहुत एक्सट्रीम जिसे कहते हैं ना जेन्युइन नीड में एक परिवार था। एंड उनकी शॉप हम लोगों को खुलवानी थी, सुबह का वक्त है, यहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं कनॉट प्लेस के पास से, हमको जाना है लाल कुआं गाजियाबाद के पास, ग्रेटर नोएडा के पास। आप लोग देखोगे तो सारा आइटम चिप्स वगैरह, आइस बॉक्स वगैरह, राशन वगैरह सारा हमने परचेज कर लिया है, और जो हमारी शॉप है दुकान है वो भी यहाँ से, वो भी हमने लोड करा के लाइक टेम्पो में सुबह सुबह भिजवा दिए, वो भी ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। तो बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आज एक और परिवार की जिंदगी में हम लोग खुशियां लेके आएंगे। और ये उठाया हमने नेताजी को, नमस्ते नमस्ते, चल दिए हम लोग का सफर अब जिंदगी बदलने, जिंदगी बदलने, मजा आएगा। ठंड है इतनी हो रही है फिर भी हम लोग रुकते नहीं है, रुकते नहीं थमते नहीं, थमते नहीं, तुम बड़े चलो जी। हाँ तो वीर निकल पड़े हैं मेरे घर से, मयूर विहार आए भैया नेताजी को उठाने के लिए, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गाजियाबाद, लंबा ट्रेवल है लेकिन मजा आता है, बने रहे जानने के लिए क्या होगा आज। और इसी के साथ नेताजी पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए, ये देखिए रोजा जलालपुर, ये जो बोर्ड है गोकुल धाम इनक्लेव, यहाँ से अंदर उनका घर है, यहाँ से ये दुकान सजाएंगे फिर उनको बुलाएंगे, तो मजा आएगा, फिर छोटी सी धनराशि भी है हमारे पास आज उनको देने के लिए, और हमारी गाड़ी बता रही है कि आज हम कितना धनराशि उनको देने वाले हैं। ये देखिए दिस इज 1 lakh rupees, थैंक यू सो मच हमारे सब्सक्राइबर्स को बताने के लिए। भैया जी राम राम, अरे भाई साहब कहाँ थे आप? सर जलालपुर थाने के पास खड़े थे। अरे बाप, ये देखिए ये सामने गोकुल धाम इनक्लेव, और यहीं पे इनकी दुकान उतरवा के अनलोड करवाते हैं, यहीं लगवा देंगे, चलिए पहले उतरवाते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट हैवी। पर MCD की दिक्कत तो नहीं है ना, कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है ना MCD की? ओके देन परफेक्ट, चलिए भैया जी कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है भैया जी, एक्साइटेड बहुत रहते हैं। ए यू गो बॉयज, ये सफाई अभियान चल रहा है, पूरा धूल मिट्टी भरा हुआ है, अब बढ़िया से जो क्लीन करेंगे सफाई करेंगे इसमें दुकान सजाया जाएगा, सब अच्छा रहेगा, दुल्हन की तरह सजा देगी। ओ ये देखिए पूरा दुकान का सामान, इसमें सब कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पानी वानी चिप्स वगैरह कुरकुरे, ये देखिए तेल साबुन बिस्किट वगैरह सारा, आइस बॉक्स वगैरह, और पीछे राशन का किट भी है, चलिए इसको अनलोड कराएं के करके। अब सामान अनलोडिंग डन,
अब सजाएंगे शुरू। आजकल कौन किसी के लिए कुछ करता है, आप लोग की वजह से इनको जीने का थोड़ा जो है ना मकसद मिल जाएगा, अभी कुछ करने की उमंग जाएगी इसके अंदर और ये कुछ करना चाहेगा। और कोई नहीं करता सर आज के टाइम में, तो दुनिया मतलब ही है बस लूटने वाले हैं, देने वाले तो कोई नहीं आज के टाइम में। सही बात, जो देते हैं उनको लोग देने नहीं देते, देने नहीं देते, देने नहीं। ऐसे लोग हो दुनिया में तो हमारा देश फिर से अच्छा हो जाएगा, फिर से सुंदर हो जाएगा। लोग अच्छे करने की आपकी मकसद है तो सबका भला हो, दुनिया अच्छे रास्ते पे चले, हर आदमी मेहनत से कमाना खाना सीखे बस। और आप लोगों की वजह से वो आज जो मेहनत करेगा, हो सकता है कल को आगे सोचेगा, वो सही बात है, पीछे नहीं जाएगा आगे की तरफ, आगे बढ़ेगा। आपकी वजह से उसको बहुत बड़ा सहारा मिल गया, जैसे नाव सही फंसे हुए भावर में जैसे कोई नाव होता है ना, कोई पीछे हल्का धक्का दे दे तो किनारे का सहारा मिल जाता है, अपने आप किनारा पहुंच जाता है। सही बात है, उसी प्रकार से सर यही मकसद है हमारा, किसी को जिंदगी में रोजगार मिले। और अभी हमने जिनकी दुकानें खुलवाई है, मैं आपको एक दिन पर्टिकुलरली जाऊंगा, फॉलो अप दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनकी दुकानें हम लोगों ने खुलवाई हुई है। बस भाई है ना टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन मैं जल्दी आपको दिखाऊंगा कि कैसा वो लोग कर रहे हैं फॉलो अप वीडियो। चलिए कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं हम सजाने की। ये देखो भीड़ देखो अगल बगल। जी भैया जी, अभी तो नहीं, अभी अभी दुकान का शुभारंभ करा रहे हैं, किसी का खुलवा रहे हैं। कल आया हुआ था इधर दुकान वाला। अच्छा, कल से खुलवा रहे हैं, खुलवा रहे हैं। यहाँ चलेगी ना, बढ़िया, बहुत लोग मांग रहे हैं, काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे भीड़ है ना, बहुत ज्यादा भीड़ है। कल में यहाँ फ्लैट तैयार हो रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, काम करेगी। ओ तो दुकान सज चुकी है, और लाइक लिटरली बता रहा हूँ, जब हम लोग दुकान सजा रहे हैं, इट टुक अस 40 मिनट, इस बीच 50 लोग कम से कम आगे रुक गए कि भैया ये है, भैया वो है, भैया ये है, इतने लोग आ रहे हैं। खुशी बहुत हो रही है कि अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छी दुकान चलेगी, है कि नहीं? जी जी, लोकेशन भी अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, एक्टिव रोड है, देखिए राइट लेफ्ट गाड़ियां ही गाड़ियां, सब बाइक रुक रही है, कोल्ड ड्रिंक पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई चिप्स पूछ रहा है। ये दुकान हमारी तैयार है, हमारे मास्टर जी यहीं पे रहेंगे, देखेंगे, और मैं और नीता जी जा रहे हैं भैया लोगों को बुलाने के लिए। अब आएगा मजा, जिसके लिए हम लोग इतनी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। तो ये देखिए पहुंच गए, चलते चलते उनके घर, तो घर पहुंच गए, वो लोग कहीं काम ढूंढने के लिए गए थे, वो आ रहे उधर से, ये उनकी बड़ी दीदी है ना। जी बताना चाहते हैं उनके बारे में कुछ। तो वो घर से ऐसे निकाल दिया ना, तो पैर में चप्पल, हाँ वो तो नेकर पहन के आए घर में से, ऐसी उनको घर से निकाल दिया बिना चप्पल अप्पल के, ऐसी ऐसे चले रोड में छोड़ दिया ऐसे कि हाँ निकल जा, पैसे मांगे तो जो करे तुम्हारे हिस्सा के काय के पैसे, कि तुम्हारे बीमारी में इतने लगे, तुम्हारे उस चीज में इतने लगे, क्या चीज के पैसे देंगे हम तुम्हें, तो पैसे ना दिए। अब बता छोटी छोटी बहुआ है तो बेसब बनाती है, चलो इनको ये है कि हम चटनी से नहीं खाएंगे, हम आलू काट के बना देंगे। इधर गए थे काम देखने ठेकेदार के पास, उसने भी मना कर दिया काम के, बोले काम नहीं है अभी। अच्छा जी, 8 बजे के गए थे सुबह, धूप में। आइए आइए आइए, काम ढूंढने गए थे आप हैं, आइए आ जाओ आ जाओ। ठेकेदार ने बात पहले से सिखा भी रहा है। अच्छा राशन वाशन चल रहा है, आपने राशन देगा ये तो वही आपकी कृपा है जी हमारी तो। उस दिन आपने कुछ बोला था कि हमको कुछ रोजगार वर हो जाए ना। हाँ, तो कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक बार ऐसे ही मिलने आए हैं, मार्केट में चलते हैं। आज उस दिन क्या हुआ था कि जब हमने आप लोगों को कपड़े दिए, बच्चे रह गए थे, बच्चा का कपड़ा रह गया था ना, आपको तो मिल गए, बच्चों को भी होना जरूरी है ना, तो आज ऐसे ही घूमेंगे, बच्चों के लिए कुछ कपड़े की शॉपिंग करेंगे हम। ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, क्योंकि भैया ज्यादा चल नहीं पाते तो हम लोग रेडी का इंतजाम करवा रहे हैं, अभी उनको पता नहीं कि उनकी दुकान खुली है। ओह यस, चलिए भैया जी आपको घुमाएं हम। अरे बाप रे, इट इज टफ, आधा रास्ता हम चलाएंगे, आधा रास्ता नेताजी चलाएंगे। ओह एफर्ट पूरा लगता है, लेकिन किसी की जिंदगी बन जाएगी हमारे हमारे थ्रू, तो इससे बड़ा सेवा और क्या हो सकती है। वी लव इट। देखिए कितना ठेली चला के और उनके मंजिल तक ले जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं रहा, इतना रेत है, हैंडल भाग रही है, रेत है ना इधर, हाँ चल नहीं रहा, कोई नहीं हम धक्का लगाते हैं, चल देंगे। ये देखिए आ रहे हैं, आ जाइए पानी जैसा। तो कुछ आपने उस दिन बोला था कि रोजगार हो जाता अच्छा रहेगा। हाँ जी,
है ना। ये रोड मतलब अच्छी है चलने वाली है ना। ये जो दुकान है, अगर मैं बोलूँ ये दुकान आप ही की है तो भैया इमोशनल हो गए। देखिए कैसी दुकान है, कान ढूंढने आप निकले थे और यहाँ देखिए और एक दुकान के मालिक बन गए हैं। अब कहीं काम ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। काम नहीं मिला ना बहुत देर से। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी, काम मिलेंगे मुझे। इसी दुकान में मेहनत करेंगे, जो मेहनत को लिए और के पास जाते थे अब तो रखते हो। और एक बार मैं बता देता हूँ कि दुकान है किसकी तरफ से, ये लोपसांग धोंडू और नीमा लामो हमारे कुछ तिब्बतन भाई बहन है, उन्होंने ये दुकान आप लोगों के लिए भिजवाई है। ये सारा दुकान वकान जो है ना, ये सारी चीज दुकान सामान वगैरह अच्छी उम्र रखे, उनके खुश रहे, वो भी हमारी तरह। आपका बैंक खाता है कोई? नहीं, बैंक खाता भी नहीं है हमारी तो। बैंक खाता भी नहीं है आप लोगों का? बैंक खाता भी नहीं है आप लोगों का? बैंक खाता तो बनाना चाहिए था ना भैया जी। नहीं है, नहीं है बैंक खाता नहीं है। चलो कोई नहीं, आपका दुकान हो गई। और कुछ कुछ सामान अगर और चाहिए होगा तो उसके लिए थोड़े बहुत पैसे भी चाहिए होते हैं ना। And guys, it is about time. भैया जी 50,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए भैया, 50,000 भैया थोड़ा सा कम सुनते हैं, 50,000 देखो, 50,000 रुपया तो मैंने कभी देखे भी नहीं थे, सपने में भी नहीं सोचे थे कि मेरे पास इतने पैसे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पैसे हमने तो कभी नहीं देखे थे इतने पैसे। हमने तो कभी नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे इतने पैसे, कभी नहीं देखे। अच्छा जी, नेताजी फोन पकड़ना, तो 50,000 रुपए हमने कभी नहीं देखे थे, कभी नहीं। 2,000-4,000 तो कभी देखे नहीं, तो 50,000 तो कभी। और अगर मैं बोलूँ 50,000 मेरे पास और है तो और ज्यादा बहुत अच्छी। ये आपके सामने पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए आए, मेरी जिंदगी नई बन जाएगी सर अगर आपकी दुआ से। ये 1,00,000 रुपए थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए और बाकी ये इलाज का खर्चा वर्चा चलाने के लिए आपके लिए, ठीक है। इसको जरा संभाल के रखो अपने पास। अब हमारे पास आज भगवान उतर गए जी। क्या भगवान आ गए आज हमारे पास? भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान ही आ गए। जब इंसान पहले संभाल के रखो, पहले आराम से इसको इसको रखो अपने पास। हमारे लिए भगवान ही उतरा है, भगवान उतर। खुश है ना आप लोग? बहुत। मैं आपको बताता हूँ कि किन किन लोगों ने ये आपके लिए भिजवाया है। तो इसमें से ये सारे हमारे मोस्टली जितने भी हमारे तिब्बत के रहने वाले सारे भाई बहन हैं, ठीक है, तिब्बत के रहने वाले हैं। और कुछ जैसे मैं बताता हूँ, पहले कुछ एक जोबन सिंह करके एक भैया हैं जिनकी तरफ से 10,000 रुपए हैं। एक आप समझ लो एक एनोनिमस है, गुप्त है, एक हमारे इंग्लैंड में रहते हैं, 10,000 रुपए है। बाकी जोजो डोरजी फैमिली की तरफ से 10,000 रुपए हैं। मिस्टर हुआंग फैमिली की तरफ से 10,000 रुपए हैं। एक फ्रांस से एक तिब्बतन भाई हैं, गुप्त है, एनोनिमस है, उनकी तरफ से 5,000। और एक और गुप्त है, तिब्बतन भाई हैं हमारे, वो भी 3,000 रुपए उनकी तरफ से, तिब्बतन मिरेकल। एक और गुप्त 26,000 रुपए हैं, कैलिफोर्निया में रहने वाले हमारे तिब्बतन सब्सक्राइबर की तरफ से। पुरु वाला करके एक तिब्बतन हमारी दीदी है, उनकी तरफ से 2,000। 22,000 रुपए बेबी कुंगयाप एंड सेल्डोन मोमो पेमा, ये एक तिब्बतन भाई बहन है उनकी तरफ से। और 2,000 जो बचे हैं जिसने शॉप खुलवाई है उन्हीं की तरफ से। कुल मिला के ये होता है 1,00,000 रुपए। इन सब की तरफ से आपके लिए 1,00,000 रुपए। आपको आए थे नए चप्पल थे, पैर में नए कपड़े थे, गाड़ी में भी भीख मांगते मांगते आए, गाड़ी वाड़ी में डक्के मार मार को निकालते थे, जाओ पैदल चले जाओ तुम। हमारे लिए इतने खुशी हुई है, बहुत बढ़िया है, उसको बहुत लंबी उम्र दे भगवान। हमारे लिए भगवान करा, उसे बहुत लंबी उम्र दे भगवान, उसकी बहुत भला करे, अच्छी हो उसके लिए। हम तो जिंदगी में इतने कभी पैसे भी नहीं देखे थे, ऐसी दुकान लेने के ख्वाब नहीं देखे थे हमने तो। आज सपना पूरा हो गया एक तरीके से, सपना पूरा हो गया आज। और क्या, हमारे भगवान उतर गए आज, तो हमने कभी भी देखे भी नहीं थे सपने में, क्या भगवान आएंगे हमारे लिए। भगवान तो हकीकत में दिखाई दे रहा है हमको, क्या हमारी तकदीर बदल जाएगी और हमारे बच्चे की रोजी रोटी आ जाएगी। उसे भगवान खूब लंबी उम्र दे, खूब अच्छी दुआ दे उसे भगवान, खूब उसकी लंबी उम्र दे, खूब बढ़िया बने रहे उसके घर परिवार। आप लोग जीवन में खुशी आए, ये इसलिए है, ये दुकान है, इन पैसों से कुछ पैसों से सामान वामान आप लेके आना है ना।
कुछ बच्चों के कपड़े लाने, कुछ कपड़े ले आना, कुछ सामान ले आना, कुछ भैया के इलाज के लिए रखना, और एक राशन का कट्टा है वो भी बाहर ले आकर। तो हम लोगों ने उस दिन आपको राशन दिया था ना एक महीने का, आज दोबारा से हम लोग एक महीने का राशन लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है? तो राशन भी एक महीने का और हो जाएगा आपके लिए, तो दो महीने के खाने की तो प्रॉब्लम पहली दिक्कत सॉल्व। आप आज से दुकान के मालिक हैं, दुकान के मालिक बन गए आपकी दुआ से। बस आप खुश रहो, दुकान चलाओ, हम दोबारा फिर देखने आएंगे एक आध महीने में कैसा चल रहा है काम धंधा आपका, है ना? ये राशन है, उधर रख दो, पीछे रख दो, पीछे रख दो, ये देखिए, ये भी है बाल्टी भी है राशन ऊपर हल्का सा आपके लिए, बाल्टी भी है। भैया इमोशनल हो गए, कोई नहीं कोई नहीं। नहीं नहीं आप परेशान नहीं हो, ये आपकी मदद के लिए है। देखिए यार किसी के लिए कितना दुख देखा इस परिवार ने, कहने की बात ये घर वाले ने तो कभी इतनी मदद भी नहीं की, कभी 150 मांगने गए जब भी मना कर देते थे कि नहीं ये 150 रुपया कहाँ से दे। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद भी होगी और खर्चे भी मिल रहे हैं, हमारी राशन पानी चलते रहेंगे, बच्चे लोग की भविष्य बदल जाएंगे, बहुत खुश हैं हम तो। आज आपको लिए बहुत लंबी उम्र दे भगवान हमारे लिए। अरे बेटा तुम क्यों रह रहे हो, तो खुशी का बहुत भगवान बने को उतर रहे हो। चलाओ आगे बढ़ो दुकान, ठीक है? ठीक है खुश रहो, हम आपका एड्रेस डालेंगे, आपका एड्रेस डालेंगे यहीं पे, ठीक है? लोग आएंगे आपसे मिलेंगे, आपकी मदद जिसको करना हो करेंगे। मैं बता देता हूँ यहीं पे दुकान लगाना इसी जगह में, मैं लोगों को बता देता हूँ कहाँ खुलवाई हम लोगों ने दुकान। ये सामने आप देखिए गोकुल धाम एनक्लेव A1 रेजिडेंसी अंदर की साइड है, और ये जगह को कहते हैं रोजा जलालपुर, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगे गाजियाबाद में पड़ता है। और आप गूगल मैप में भी डालोगे ना तो भी आ जाएगा। वैसे मैं गूगल मैप की लोकेशन एग्जैक्टली ये जगह कहाँ पर है उसकी मैप में नीचे डाल दूंगा, आप खुद आ सकते हो मिलने के लिए जहाँ पे हमने इनकी दुकान खुलवाई है। और मैं चाहूँगा सच में कि जितना हो सके आप वीडियो शेयर करें, इनके पास पहुँचे, अच्छा लगेगा हमको भी अगर आप यहाँ पर आएंगे इनसे मिलेंगे। और बाकी फिर हम दोबारा एक महीने में दोबारा आएंगे देखने कैसा चल रहा है काम वाम, है ना? ठीक है आप लोग खुश रहो, दुकानदारी करो, आगे बढ़ो जीवन में, और बस हम चाहेंगे कि आपका जीवन में थोड़ी बहुत खुशियाँ आए हमारी वजह से, ठीक है? बाय भैया जी, हम दिल्ली निकलते हैं क्योंकि हमको वहां से फिर आगे जाना भी है ना, आप खुश रहिएगा, ठीक है? जाने से पहले जिनने भिजवाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा आगे बढ़े, उनकी रोजी रोटी आगे चलते रहे, हमारी जैसे हम फले फूले फूटते हैं हमारी भी जिंदगी मुझे हो गई है, बहुत धन्यवाद आपको। चलिए ठीक है, बाय बाय। और बहुत डिमांड है, ये बहुत एक्टिव रोड है, एकदम बीच रोड में, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक कोई और दुकान नहीं है, तो सोचिए कितनी अच्छी चलेगी। एक और ग्राहक रुका, ये देखो, और ये हमारे नेता जी ने रेडी छुड़वा दिए बहुत मेहनत हुई आज है, हमारे नेता जी भी जिंदगी में अच्छा कुछ डिजर्व करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं, शुरू से जुड़े हैं हमारे साथ, करेंगे जिंदगी में कुछ ना कुछ पक्का। एक और मिशन सक्सेसफुल, थक गए सुबह से लगे हुए हैं, कल से तैयारी चल रही थी इसकी, अब बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग दिल्ली की ओर। और ये हम लोग पहुंच गए जहां से निकले थे, मयूर विहार, एंड यहां से अब हमको आगे जाना है कुछ और प्रोजेक्ट करने, एंड उसके बाद फिर हमको आगे जाना है कुछ ना कुछ करने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एक और जिंदगी एक और अचीवमेंट, और बहुत जल्दी एक बार मैं फ्री हो जाऊं मैं स्पेशली एक वीडियो फॉलो अप का डालूंगा, जिस दिन मैं दो चार जितने भी लोग हैं आसपास नियर बाय, क्योंकि हमने बहुत दूर दूर खुलाई है दुकानें, एक यूपी में कहां खुलवाया था, बुलंदशहर में खुलवाया था, एक हिमाचल में है, एक कहीं है जो दिल्ली में आसपास है, मैं उनका फॉलो कर एक दिन दिखाऊंगा आपको। तो प्यार बांटते रहें, वीडियो शेयर करते रहें, जुड़ते रहें, ताकि हम लोग ऐसे ही लोगों की जिंदगियां बदलते रहें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद।